हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने जो है सीआरपीसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका मेंस के परस्पेक्टिव से डिफरेंट स्टेट्स काफ़ी बार पूछ चुके हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। तो सबसे पहला जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि कंप्लेंट जो है वो सेक्शन नंबर 2D में जो है सीआरपीसी के डिफाइंड है, लेकिन सीआरपीसी में कहीं पर भी वर्ड एफआईआर जो है वो डिफाइन नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इट इज़ नो वेयर डिफाइंड इन द सीआरपीसी। दूसरा जो है आपका डिफरेंस का जो बेसिस है वो क्या है कि कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट को आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर जो है आपको वो रजिस्टर करवानी पड़ेगी। कहाँ पर? वो आपको कंसर्न पुलिस ऑफिसर को करवानी पड़ेगी। एक चीज़ हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कंप्लेंट में कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। ये हमेशा प्री में भी पूछा जाता है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड्स पुलिस रिपोर्ट, वेयर एज इन एफआईआर पुलिस रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ट्रायल। हमेशा याद रखिएगा जो एफआईआर है वो बहुत ही ट्रायल का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा लगाकर चलती है, वेयर एज इन एफआईआर पुलिस रिपोर्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप कह सकते हो कि पुलिस रिपोर्ट के बिना जो है कहीं पर भी आप एफआईआर या के केसेस में, पुलिस के केसेस में कोई ट्रायल्स शुरू हो ही नहीं सकता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है। तो कॉग्निजेबल केसेस की अगर मैं बात करूं या नॉन कॉग्निजेबल, तो कंप्लेंट जो है हमेशा दोनों ही मैटर्स में, बोथ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में फाइल की जाती है। एफआईआर सिर्फ जो है वो कॉग्निजेबल मैटर्स में फाइल की जाती है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, एफआईआर कभी भी आपकी नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में फाइल नहीं की जाती है। चलिए एक सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा कि पुलिस रिपोर्ट कौन से सेक्शन में सीआरपीसी के डिफाइंड है, या जो प्रोविज़न है कौन सा प्रोविज़न जो है बेसिकली सीआरपीसी का पुलिस रिपोर्ट से रिलेट करता हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न पर कि जो रिलेटेड प्रोविज़न है कंप्लेंट के, कंप्लेंट से रिलेटेड 2D आपका डेफिनेशन में है और सेक्शन 200 से लेकर 203 तक जो है वो आपका इसके अंदर आता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि एफआईआर से रिलेटेड कौन सा प्रोविज़न है। तो एज़ हम सभी जानते हैं कि 154 जो है सीआरपीसी का, और इसका फेमस केस कौन सा है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस जो है आप लोग अपने दिमाग में हमेशा के लिए बिठा के चलिएगा। कंप्लेंट के फॉर्मेट की बात की जाए तो कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट नहीं है, ये ऑरली, राइटिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में कभी भी हो सकता है। एफआईआर की वहाँ पर अगर बात करें तो एफआईआर जो है आपका ऑरली दिया जा सकता है, लेकिन उस ऑरल एफआईआर को जो है, उस ऑरल एफआईआर को जो है भैया, उसको पुलिस वाले भाई साहब जो है हमारे वो रिटर्न डाउन करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एफआईआर ऑरली दी जा सकती है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो उसको रिटर्न डाउन करेंगे। प्रोसीजर जो कि हमारा लास्ट डिफरेंस है दोनों के बीच में, अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट मजिस्ट्रेट कैन इंक्वायर इन टू द मैटर हिमसेल्फ। कंप्लेंट जैसे ही रिसीव हुई, मजिस्ट्रेट साहब जो है मैटर को खुद भी जो है इंक्वायरी उसकी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने पुलिस वाले के सामने एफआईआर दर्ज करवाई तो भैया पुलिस वाला जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, लेकिन उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कॉग्निजेबल मैटर्स में होता है तो अरेस्ट जो है वो विदाउट वारंट कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम आज का अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए और आपको हैंड रिटन नोट्स इसके चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो है मैं इसके PDF नोट्स शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी UPAPO की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके साथ जुड़ना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। नंबर है 8377032873। टोटल जो है लॉ प्लस GK की सीरीज 999 में है, 28 प्लस टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। 3 टेस्ट इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, लेकिन जो है वो टेस्ट आपको मिलेंगे आपके अपने ऐप पर। टेस्ट सीरीज़ आपको PDF के साथ साथ
ऐप पर दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, आपको जिसमें भी फॉर्मेट में चाहिए आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, साथ बनाए रखिए, तब तक की नेक्स्ट वीडियो है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, साथ बनाए रखें।